सभी और सभी आत्माएं एक बोले सर्वभूतेश सर्वव्यापी सर्वभूतंत्र आत्मा कर्मादेश सर्वोदय भाव शास्त्री के करके हो निर्मल। तो हम सब एक ही आत्मा है, कबीर जी ने भी यही कहा कि मेरा आत्मा एक है पर यहां ये आने बात बात के बर्तन रहे पानी सब में। तो बर्तन तो हजारों होना है लाखों हो जाए लेकिन पानी सब में एक ही होता है, सब में एक ही होता है। तो हमारा इस जीवन का लक्ष्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। अगर इस जीवन में हमारा हमें गुरु मिल गया और हमने परमात्मा के लिए अगर एक दो घंटे भी दिन के उसके देखे में लगा लिए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। फिर आपका रक्षक कोई है? यहां भी हम कहते हैं कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो ऐसा कर लो ताकि आगे कुछ मिलेगा, तो कुछ नहीं मिलता। जब कहते हैं ना जब जब राजा आन करोगे नेक धरत नहीं धीर मुगरी निमार के प्राण का सत्यन भरवायो धीर नाम नाम लोगे निरा केवट है फिर धरती की आसनी बैठी मात का सुखीर मार्ग पर की कौन चलावे संगना जात सिर लेके कोणत नर कुंड में व्याकुल हो सिर नर अवसे चेतो माप रे। तो अगर अभी से हम चेत जाए अभी से चेत जाए आज ही प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि हमने उस नाम को प्राप्त करना है। उसके लिए आपको कोई कीमत नहीं देनी पड़ेगी, कोई कीमत नहीं देगा, वो फ्री है सबके लिए, हमारे सबके लिए फ्री सेवा। तो देने वाले भी वो दाता है, ऐसी बात नहीं है। तो वो फिर आपको वो चीज मिल सकती है, आज ही मिल सकती है, लेकिन इसके लिए शर्त होती है बुरी चीजें त्यागनी है। बुरी चीजें क्या है? हम दूसरे जीवों को खाते हैं। कबीर जी ने तो यहां तक कहा कि जो प्राणी किसी भी जीव का मांस एक बार भी खा लेता है, जितने बकरे के ऊपर रोम होते हैं 7 करोड़ रोम होते हैं, उतनी बार बकरा बन बन करके अपना सिर कटा कटा करके गिलास गिलास करके फिर कभी आगे का मेरे को पड़ेगा जन्म नहीं होगा। अब आप अंदाजा लगा लो कि उस स्वाद का फिर पता चलेगा कि मैंने कितनी भूल कर दी आपको ये अपना शरीर काट पड़ता है। तो कभी भी किसी के बच्चे को, वो भी दूसरे के बच्चे हैं प्राय बच्चे हैं, कोई अंडे खाता है कोई मांस खाता है कोई नशा करता है, वो भी प्राय बच्चे हैं, तो दूसरे उनके बच्चों के ऊपर भी दया करो। कभी मत खाओ मांस मत खाओ, कभी भी किसी किसी भी चीज को मत खाना, बहुत बड़ा मानता है। अच्छी चीज है दूध पियो फल खाओ अच्छा आहार लो अच्छा जीवन बनाओ अच्छा दिमाग बनेगा अच्छा शरीर बनेगा अच्छा परिवार बनेगा। अगर आपके बच्चे नशा पता करेंगे तो आज ये संसार क्यों बिगड़ रहा है, क्यों बिगड़ रहा है संसार, क्यों बिगड़ रहा है पता नहीं किधर क्यों जा रहा है, ये नशे के कारण बुराइयों के कारण हो रहा है। ऐसा संसार बना सकती है माता, माता होती है अगर वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देती है बचपन से तो बच्चे अच्छे बनेंगे और बीवी उस तरफ नहीं जाएंगे, कोई नशा नहीं करेंगे किसी जीव को नहीं खाएंगे, परमेश्वर जैसे बच्चे होंगे। कभी तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जननी जने का भक्त जन, जननी जने का भक्त जन जन कहलाता के सुर नहीं जननी पांच रहे काहे द्वारे दूर के जननी के माता। अगर बच्चे को जन्म देना है तो कोई भक्त पैदा कर जो संसार का भला कर सके, या तो कोई भक्त पैदा कर जो दूसरों की रक्षा कर सके, नहीं पर ऐसे ही अच्छा है। अगर ऐसे बच्चों को जन्म दे दिया जो नशा पता करते हो संसार में गंदगी फैलाए चोरियां करें बुराइयां करें ठगी करें तो फिर उनका क्या लाभ है, उसका कोई लाभ नहीं है। तो बच्चे को ऐसे पैदा करो जैसे राम, जैसे राम जी को जब शाम को हुक्म हो गया कि आपको सूर्य राज मिलेगा राजगीर को होगा आपका, उनको कोई खुशी नहीं हुई,
ब्रह्म का नेता भी होता है, वो कहता है कि मेरे को कुछ मेरे कुछ मिलेगा, बड़े हाथ में होता है, बड़ी जय जय हाथ में होता है। लेकिन राम जी में ऐसी कोई भावना नहीं आई, बड़ी विनम्रता आई उनके अंदर। उन्होंने कहा कि पिताजी जो भी आपका हुक्म होगा आशीर्वाद के, कोई कोई उनको ऐसा नहीं, तो आपने उनको बड़ा अहंकार आ गया, लेकिन के कहीं ने जो वचन दिए थे उसने आपको वो मांग लिए कि भरत को राज और राम को बनवास। लेकिन उनको हुक्म हो गया बनवास का, चलना पड़ा, चल पड़े। उन्होंने नहीं कहा कि मैं बड़ा हूं, ये राज्य मेरा है। उन्होंने कहा कि पिता का हुक्म है, फिर माफ है, 14 वर्ष का बनवास हो गया, तो सबको उतार करके चल पड़े। तो ऐसे ऐसे बच्चे जब इस संसार में आएंगे, कोई संसार को स्वर्ग बन जाएगा, सतयुग बन जाएगा। दुनिया के लिए सतयुग कैसे आएगा? सतयुग तो तब आएगा जब सब हमारे अंदर सत आएगा। हमारे अंदर जब तक सत नहीं आएगा, सत तो हमारे अंदर है लेकिन उसको इशारा हुआ है, उसको कहते हैं तो आकाश में है, वो तो कहीं मंदिर में बैठा है, वो तो कहीं पीठों में बैठा है, वहां नहीं। मंदिर मंदिर ढूंढ रहा प्राणी भगवान, वो तो तेरे अंदर बैठा जान सके तो जान। तो इंसान मंदिर मंदिर में ढूंढ रहा है लेकिन वो आप सारी मंदिर में बैठा हुआ है, वो बाहर नहीं है। कौन बोल रहा है आपके अंदर से? कौन बोलता है? कोई राम बोलता है। जब वो राम नहीं हो जाता है तो फिर भी बोल सकते राम नाम सब हो जाते हैं। तो इसलिए हमें विचार करना चाहिए, अच्छा जीवन बनाना चाहिए, अच्छा जीवन यापन करना चाहिए, दूसरों का भला मांगना चाहिए, दूसरों के इतलाफ के लिए कोई कार्य करना चाहिए, तब राम मिलता है। क्योंकि आप सभी वो राम है, सभी राम है। रंगमंच से दुनिया बनाई, रंगमंच से दुनिया बनाई, एक्टर बन के आया, बात बात के अभिनय करता, क्यों मानना धर्माया, अपने गाड़ी अपने गाड़ आते मैं बाप, तो वो सब में है, बच्चे में भी है, माता में भी है, पिता में भी है, सब में वो एक ही है, सब पार्ट कर रहा है, बच्चे का भी कर रहा है, बेटी का भी कर रहा है, माता का भी, पिता का भी, सब पार्ट कर रहा है, वो एक ही है। तो ये संसार ऐसा संसार परमात्मा ने बनाया है, लेकिन जब तक हमें वो ज्ञान नहीं मिलता, जब तक वो ज्ञान नहीं मिलता, उसकी कमाई नहीं करते, तब तक हमें क्या पता कि भगवान कहाँ बैठा है? देखने वाली आप बहुत पड़ी हुई है। हम कहते हैं जी नवरात्रे मना लो, नवरात्रों का मतलब क्या होता है? नवरात्रि, नवरात्रि ये नौ द्वारों का, ये शरीर नौ द्वारों का शरीर है और दसवां द्वार यहाँ है। जब तक ये दसवां द्वार हमारा नहीं होता तब तक कुछ नहीं होता। नौ द्वारों में मृत्यु बैठी हुई है, कहते हैं जब रात्रि सुते परमात्मा का हर घड़ी हम पर हर क्षण सुख होता है, कोई बुरा नहीं होता, सब सुख होता है। लेकिन धोखा डाल दिया जो बड़े बड़े आए को विद्वान लोग जो थे, बड़ा ज्ञान ध्यान जानने वाले, बाहर का ज्ञान जानने वाले, उन्होंने धोखे में डाल दिया कि आप जब करा लो, आप तब करा लो, आपके कर्म खत्म हो जाएंगे। कोई कर्म खत्म नहीं होते, जो कर्म हमने किए हैं वो कोई पूजा पाठ से खत्म नहीं हो सकते, वो भोगने पड़ेंगे, वो यहाँ ही भोगेंगे, आगे भोगने पड़ेंगे। वो कैसे कर्म होते हैं? हमारे तीन प्रकार के कर्म होते हैं। पहला तो जो क्रियावान कर्म है, जो हम प्रतिदिन करते हैं वो है। उसके बाद सिंचित कर्म है, सिंचित कर्मों में से ये प्रारब्ध होती है, ये प्रारब्ध है। जो प्रारब्ध कर्म मिले हैं इसको कोई खत्म नहीं करता, कोई खत्म नहीं कर सकता है, ये होने ही पड़ेंगे। अगर इनको खत्म कर दिया गुरु खत्म कर सकता है, लेकिन गुरु इनको खत्म नहीं करता, इनको उद्धार कराता है।
अगर गुरु का किसी से आपको फांसी लगने वाली है तो एक कांटा जो होकर के उसका भुगतान कराता है, नर्म कर देता है। और जो सिंचित पाप जैसे कर्म है हमारे, वो पहले दिन जिसमें गुरु मिल जाता है सारे कर्म खत्म हो जाते हैं, आगे के लिए नीति मार देता है कि बेटा आज के बाद आपने एक काम करना है, अच्छा काम करना है और अच्छा हाल लेना है, अच्छा काम करना है, किसी को किसी का बुरा नहीं सोचना है, सबका भला मानना है, सबके इंकलाब के लिए कार्य करना है। कभी तो कहा है कि जीना औरों के हित में, यही बकरी जी आपने लिए तो जीना है क्या, लोग स्वार्थ को त्यागो, यही है बकरी सत्य नीति धर्म पर सदा रहो। तो लोग स्वार्थ को नहीं हम त्याग सकते, वो रोग लगा हुआ है, ये बहुत बड़े रोग हैं जो हमें लगे हैं, लोग है स्वार्थ है बुराइयां है ये लगी हुई है। तो जीना और एक नहीं है बकरी रह को नाम जाते चलो बाहर आएगी अनंति सत्य नीति धर्म पर सदा निर्भर रहो। सदग्रंथों की हमारी संतों का वो सत्संग प्रेम भक्ति तत्व के निहार हो, बस पड़ गया बात आए हो तुम कहां से जाना तुम्हें कहां इतना अगर विचार लो तो बस पड़ गया बात। लेकिन ये हमें नहीं पता कि हम कहां से आए हैं, इसलिए आए हो इस संसार में, हम अपने उस सारे कर्मों का सफाया करने के लिए आए थे जीवन में हो रहा है, लेकिन और कर्म करते और प्रयत्न कर रहे हैं और पूजा उठाने के लिए लगे हुए, तो फिर क्या होगा, तो फिर हमारा क्या होगा। ठीक है अभी इंसान बुराई करता है तो बुरे कर्म कर लेता है, सोचता है भाई अब मेरे को मैंने को बुराई कर ली, ठगी कर ली, ठगी से मुझे इतना कुछ मिल गया, लेकिन वो किस काम में आएगा, अगर समय आ जाए तो बस फिर सब डरा डराया जाता है। इंसान की बाल्यावस्था आती है वो अज्ञानता में खत्म हो जाती है, जब युवावस्था आती है तो फिर शादी करो, फिर दुकान बनाओ, घर बनाओ, जमीन खरीदो, इसी में लगा रहता है। जब सब कुछ बन जाता है, सारी उम्र सुखों में पड़ा रहता है, सब कुछ तैयार हो जाता है, तो फिर चिट्ठी आ जाती है, नोटिस आ जाता है काल का कि आप चलो हमारे साथ, अब तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। जब अच्छा समय आता है तो फिर करना होता है, तो फिर क्या 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 साथ के साथ जो ये पाप कर्म करता है उसके साथ क्या क्या है, उसके साथ कुछ नहीं गया, वो पाप कर्म करेगा जो उसको आगे उससे डरने के भोगना पड़ेगा। तो इसलिए अपने जीवन को हम अच्छा बनाए, नेक पाक सरलकारी जीवन बनाए और उस अध्यात्म विद्या को प्राप्त करें, उस ज्ञान को प्राप्त करें, जो ज्ञान प्राप्त कर ले वो नाम जिसको नाम बात कहते हैं उसको लेकर के उसके लिए आपको कुछ नहीं त्यागना है, बुरी चीजें त्यागनी है, नशा पता है दूसरे जीवों को खाते हैं वो चीज छोड़नी है, साथ में जीवन बनाना, तो फिर परमेश्वर तो आपके साथ ही है, फिर आप बैठो रात को बैठो दिन में बैठो तो फिर आपको साक्षात दर्शन देगा, आपसे बात भी करेगा, फिर आपको किसी का दुख रहेगा। कभी कहा है सनंद सुनो प्रभाजियो सकल मूल पूरे बार पूर्ण करो पाया उपर सकल पूरे दुख रोग संताप करे सुनी सच्ची वाणी संत साधन कैसे से कोई मुझे जाने। तो ये हम ये विद्या जो है ये हम पूरे रूप से प्राप्त कर सकते हैं, पूरे रूप से उसको प्राप्त होती है और उसको प्राप्त करने के बाद जब हम उसकी कमाई करते हैं तो हमारे शारीरिक रोग जड़ जाते हैं, दुख रोग संताप खत्म हो जाते हैं, जब उस पानी को सुनते हैं तो हमारे अंदर हो रही है जिसको हम नार कहते हैं, इलाही पानी कहते हैं, अकल कथा कहते हैं, कई तरह से उसको संबोधित किया है अपने अपनी भाषा के अंदर। तो जो सुख होता है उसके सारे लोगों की दुखों का माया हो, तो उस नाम को हमें प्राप्त करना। पिछली बार भी दास यहाँ आया था तो आज भी आपके
किया हम रात आपकी सेवा में हाजिर हुआ है और बड़ी खुशी की बात हो रही है जिन बहनों ने जिन भाइयों ने जिन बुजुर्गों ने पिछली बार नाम दिया था उनको वैसे पिछली बार हम दोबारा आ रहे थे लेकिन हमारा प्रोग्राम किसी वजह से किसी कारण से कैंसिल हो गया तो नहीं पहुंच सके लेकिन इस बार तो आपके पास आना था क्योंकि गुरु जब नाम बात दे देता है तो वो फिर आपके बच्चों को नहीं छोड़ता वो क्या सात सुंदर बारे में बैठे हैं ऐसा मत सोचो कभी अगर आप गुरु को याद करेंगे उसी में आदर हो जाता है गुरु जिसके नाम देता है हमारे अंतर में आदर नाजिल रहता है आप पुकारेंगे आपको कहीं बड़े पार नहीं करने के लिए अपने अंदर से आवाज करेंगे कोई भी आपको कोई कष्ट आ रहा है कोई दुख आ रहा है या कोई कुछ ऐसी कोई बात हो रही है तो आप पुकार करेंगे तो आप सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाता है वो सुनता है चाहे आप सात समुद्र पार बैठे हैं जय गुरु से बनासी शिष्य समुद्र की एक पल विसर नहीं के गुरु हुए शरीर तो अगर गुरु बनास में बैठा है शिष्य सात समुद्र पार भी है तो वो वहां कुछ पार कर रहा है ऐसा नहीं होता अपने बच्चों की पूरी पार करता है तो इसलिए हमें ऐसे गुरु की जरूरत है जो हमें उस नाम के साथ उस परमात्मा के साथ जुड़ गए नाम कैसी है परमेश्वर है परमात्मा वो प्रदेश पहले से ही उठा करके आपको चाहे थोड़ा मिल जाए ज्यादा मिल जाए लेकिन मिलता है और फिर पृथ्वी जब आप कमाई करेंगे तो एक दिन बात भी करना शुरू कर देंगे और वो दर्शन करेंगे जैसे आप सबको देख रहे हैं ऐसे उसको देखेंगे उससे बात भी करेंगे ऐसी ताकत है आपके अंदर लेकिन हम नाम तो ले लेते हैं लेकिन कमाई नहीं करते रात में बैठो खाना खा लिया उसके बाद आपके पास टाइम है इतनी बड़ी रात है दो घंटे रात बैठो देखो फिर आपको क्या आनंद मिलता है और सुबह बैठो अमृत की लीला सत्संग बढ़ाई क्या कर के आप पूरा नगरी को दवा नान के बनाने तो आगे क्या तो अमृत लीला में सुबह जो हम मजे करते हैं चार बजे के बाद बैठ जाते हैं तो सुबह का खाना खाया हुआ जो होता है दिन का वो हाजिम हो जाता है रात का खाना खाते हैं वो हाजिम हो जाता है और जो जो भी हमें कार्य संसार का किया होता है उससे हम बिल्कुल निष्प्राप्त होते हैं भूले हुए होते हैं तो उसमें का जो भजन होता है बड़ा बहुत सुंदर होता है उसमें तो उसमें परमात्मा की याद में बैठना चाहिए और उसकी याद में बैठेंगे तो भी कुछ नहीं लेगा वो मिलता है तो ऐसी बात नहीं है आगे वो सबरी थी सबरी के ऊपर परमात्मा ने इतनी बड़ी आभार की बात कर दी कि उसके अंदर ऐसे सुंदर विचार आए जब वो जवान हो गए तो माता पिता को चिंता हो जाती है कि बेटी जवान हो गई किसकी शादी करनी है तो उन्होंने ऐसा पर ढूंढ लिया जो एक दिन से दो दो चीजों का बात कर रहे थे तो उसने निकाल कर दी कि मैं शादी नहीं कराऊंगी तो घर से निकल गए रात को और चलती गई तो बाबा साहब के ऊपर जब पहुंची तो पेट के सहारे मिलती है तो सो भी रही है कि मैं अब कहां जाऊं तो उसने परमात्मा के आगे अरदास की परमात्मा ने उसकी अरदास स्वीकार की तो मतलब ऋषि अपने शिष्यों के साथ उसे जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि जब परमेश्वर की तरफ एक पंक्ति आता है तो परमेश्वर शास्त्रों का हम डाक करके उसकी तरफ आ जाते हैं उसकी तरफ आते हैं तो मतलब ऋषि ने जितना ही कहा तो उसको बड़ी सांत्वना मिली और उसने मतलब ऋषि को अपना गुरु मान लिया मान लिया तो वो समय भी आया जब मतलब ऋषि शरीर छोड़ने लगे रोने लगी कि महाराज मैं भी अपना शरीर त्याग दूंगी मैं तो आपके बगैर नहीं रह सकती हूं तो फिर उन्होंने कहा कि इस समय आए आई आप
आपके क्रियाहीन अवस्था आएगा। तो वो समय जब आया तो क्या है कि 10,000 वर्ष प्रतिदिन रास्ते को साफ करती कि मेरे प्रभु को कोई कसर ना रहे और मीठे मीठे बैर ला के रखती प्रतिदिन 10,000 वर्ष पीते। लेकिन उसने अपने गुरु के वचनों के ऊपर पूरा विश्वास रखा। लेकिन वो घड़ी आई जब राम और लक्ष्मण उसकी कुटिया में आए तो फिर क्या कहती है, सबने देख राम लगा तो फिर उन्हीं
फिर बैरों की उल्टी बनी, फिर उसी ने फिर जो उसको बचाया। तो एक चीज होती है परमात्मा का भगत जो होता है वो उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। तो हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है कि जिस मालिक ने हमारे ऊपर कृपा की है उसके लिए एक घंटा दो घंटे उसकी याद में अवश्य बिताएं, लगाएं और उस नाम को प्राप्त करें और अपने जीवन को हम सफल बनाएं, तो फिर हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो अतिथि अतिथि देवो भव, तो दास आप सभी मेहमानों का स्वागत करता है। तो आप सभी यहाँ आए बड़े खुशी की बात हुई और दास को भी आपकी सेवा का मौका मिला जिनको नाम दिया है, क्योंकि गुरु तो वो होता है जो नाम दे देता है और फिर अपने उन बच्चों से मिलता है कि आप कैसे हो क्या है, तो उनको भी मिलना चाहिए। जब नाम दे देते हैं तो अगर कोई समस्या है, आपको किसी को भी कोई समस्या हो आप बता सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो आप बता सकते हैं, फोन पे ही आपको उसका नाम मिलेगा। वो आपने अगर बताना है तो फिर यहाँ हमारे जो यहाँ से प्रबंधक हैं कमल गांधी जी हैं, ये चेयरमैन हैं हमारे मिशन के, तो आप इनको बता सकते हैं और ये आपकी बात फिर आगे हमारे जो सेक्रेटरी हैं इनसे करा सकते हैं और वो फिर पैसा बात करा सकते हैं आपकी और फिर आपको वो कोशिश मिल सकती है। ऐसी बात नहीं, तो गुरु ऐसा नहीं होता कि आपको नाम दे दिया और आप तो में रहें तो में रहें और आपको गुजर कभी हमारी होती है तो हम यहाँ पर नहीं करते, तो इसलिए हमेशा याद रखो और कोई भी आपको कभी आती है कोई भी आती है अवश्य बता सकते हैं आप। तो ठीक है, आज आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमारा पिता होता है, पिता माता होती है, तो कहा है गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव सोदरा गुरुदेव आत्मवाद गुरु मंत्र जप धारण कर। तो गुरु जो है माता भी कह सकते हैं पिता भी कह सकते हैं, तो हम सभी उसके गुरु के परमेश्वर परमात्मा के होते हैं। तो आपके बच्चों को वो उनका पूरा सहयोग देता है, उनको हमेशा याद रखता है, ऐसी बात नहीं तो कभी आप गुरुदे लेकिन गुरु नहीं होता। यहाँ तो यहाँ जब हम इस संसार को छोड़कर के आगे जाएंगे तो गुरु खड़ा होगा आपके रक्षा के लिए, आपको कोई कष्ट नहीं आने देगा, कोई किसी प्रकार का कमजोरी नहीं आने देगा, वहाँ के लिए उसने सब कुछ बना कर रखा होगा। जहाँ समय है लेकिन हमारा जीवन तो ऐसा होना चाहिए कि अगर जाए इस संसार से तो वो धूमधाम से जाए। तो माता पूछते हैं जब गुरु रहने के लिए आता है, जाना है सबने, लेकिन जब रहने के लिए आता है तो वो माता पूछते हैं वो माता पूछते हैं वो आनंद होता है जिसका इस संसार में वर्णन नहीं, वो खुशी होती है। तो गुरु ऐसा तो ठीक है, आपका बहुत समय मिल गया, उसको माता बहनी चले गई, क्योंकि हमारे धर्मग्रंथ कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि भी कह गए हैं, हमारे महापुरुष भी कहते हैं कि तीन प्रकार के जिज्ञासु होते हैं। एक तो जो उत्तम कोटि का होता है वो सत्संग से पहले आ जाता है, क्योंकि कहा है सत्संग सुरों का पानी, वो पापा भी नहर को आ देता ला के काट धर्मा के का करते हैं सत्संग बहुत बड़ी। तो वो सत्संग से पहले आ जाते हैं और जो महापुरुष होते हैं उनसे मिले उनको खुशी होती है और इसीलिए आते हैं सबसे मिलने के लिए आते हैं, सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए आते हैं कि सबके गुरुओं संसार खत्म हो जाए सब सुखी हो जाए, उनका ही लक्ष्य होता है उनका ही मिशन होता है सबको सुखी करना सबको सुख पहुँचाना यही होता है। तो यही होता, तो इसलिए हमारा
ये उनका लक्ष्य वो यही है कि हम उस परमेश्वर के नाम को करें, उस नाम को कहें और अपना जीवन सफल बनाए। तो उत्तम कोटि का सबसे पहले आता है और सत्तर होने के बाद फिर मिलने के बाद आता है, वो उत्तम कोटि का होता है, उसको पूर्ण लाभ मिलता है। दूसरा मध्यम कोटि का होता है, वो जब सत्संग शुरू हो जाएगा उसके बाद आएगा और खत्म होने से पहले ही मांग करता है। और निकृष्ट होता है तीसरी श्रेणी का, वो तो जब सत्संग खत्म होने वाला होगा तब आएगा और जब खत्म हो जाएगा उससे पहले मांग देगा। तो इसलिए कहा है कि अंतम श्रोतम ज्ञानम प्रमादेनम श्रोतम ज्ञानम, सदा से सुना हुआ ज्ञान ही सही होता है कि मैंने कितना सुना है। तो सदा से जब भी सत्संग है गुरु गुरु का तो सदा से सुनो, उसके ऊपर पूरा विचार करो, जीवन जो है पता बन। तो ठीक है, अभी आपको भी बहुत काम है करने के लिए। चलो हमारे जीवन का तो जो लक्ष्य है, जिस काम के लिए जीवन मिला है, टिकाऊ धामों के लिए नहीं मिला है, तो परमेश्वर के नाम को जपने के लिए नहीं मिला है। तो इसलिए आप जिसको नाम मिल गया है वो नाम पर भजन करते रहें, जिसको नहीं मिला है वो भी आप दे सकते हैं। इसमें कोई यह नहीं है कि आपको कुछ देना पड़ेगा, आपने कुछ नहीं देना है, ये फ्री है। और ना तो कोई आपको ये कहेगा कि हम क्या पैसा करो कि तो आज आप दे सकते हैं।